14 अक्टूबर 2014 10:31 पे पोस्ट हुआ था ये ब्लॉग बाई सत्येंद्र तिवारी और मॉट्स MOTS एन इम्पेडिमेंट टू लीडरशिप एक्सेलेंस। अब ये मॉट्स है क्या एक्चुअली, ये यूज इसका फुल फॉर्म होता है मोर ऑफ द सेम, मोर ऑफ द सेम। तो आओ समझते हैं क्या है, क्योंकि लीडरशिप एक्सेलेंस का क्या मतलब है। यहाँ लीडरशिप का मतलब किसी खास लीडर की तरफ मत समझ लेना आप, यहाँ लीडर का मतलब ये है कि हम खुद के लाइफ को लीड कर पाते हैं या नहीं लीड कर पाते हैं। हम सब चाहते हैं ना कि हमारी हमारा जो जीवन है वो एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े, कुछ खास सपने हैं, कुछ विजन है आपका, तो वो आप कैसे अचीव करेंगे, आखिर उसमें कहाँ रुकावटें आती हैं, क्यों दिक्कतें आती हैं और क्यों बहुत कम लोगों का ऐसा परसेंटेज होता है कि जो वो चाह रहे होते हैं वो अचीव कर पाते हैं। सो दीज अबव मेंशनड इंस्टेंसेस आर जस्ट मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम फेनोमेनन, इसीलिए इसको मोर ऑफ द सेम लिखा था मैंने, मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम फेनोमेनन एंड दैट फेनोमेनन इज सुपरफिशियलिटी। वही जो सतही है, हम सुपरफिशियल है अगर इंसान के तौर पर, तो फिर ये सारे ट्रेड्स आपकी जिंदगी में रहेंगे। तो ये मोर मैनिफेस्टेशन है सेम फेनोमेनन का, फेनोमेनन सुपरफिशियलिटी है। अब एक इंडिविजुअल के तौर पे अगर आप सुपरफिशियल हो तो आपका जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है, जो फैमिलियल एटमॉस्फेयर है, आप कहीं भी जाएं मोर और लेस हालात तो वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि इंसान तो एक है। लोग बोलते हैं ना कि प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि एक हिंसक पति जो है, वायलेंट हस्बैंड जो है, वो गुड बॉस बन सकता है क्या, और वाइस वर्सा एक खड़ूस बॉस जो अपने एम्प्लॉइज को अपना स्लेव समझता है, क्या वो घर पे एक अच्छा पिता बन सकता है क्या। तो ऐसे अलग नहीं होता, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे अच्छे हैं तो आप चाहे घर की बात करें यानी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आप अच्छे ही रहेंगे। ये सब आयातित मॉडल है वेस्टर्न, खूब चर्चा इसकी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आपने इम्बैलेंस आप ही ने तो क्रिएट किया, क्योंकि आपने उसको सेग्रीगेट करा एक इंडिविजुअल के तौर पर। फिर उस पर बोझ बहुत ज्यादा आ जाता है कि अच्छा ये वाला चेहरा यहाँ पहनना, ये वाला चेहरा यहाँ पहनना, दिन भर चेहरे ही बदलते जा रहे, इंसान उसमें थक जाता है, फिर उसको खुद भी नहीं पता लगता मेरा असली वाला कौन सा था।